हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 कंटिन्यू में थी। एक्सरसाइज 5 हम पढ़ रहे थे अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। एंड अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में हमने एक्सरसाइज 5.3 पढ़ते हैं। हमारी एक्सरसाइज 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज whose th terms is given। फर्स्ट दिया हुआ है इसमें an is equal to 3 + 4n। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या कहा है, क्या पूछा है, क्या कहा है हमसे, फाइंड करना है हमें 25 टर्म्स का सम। क्या फाइंड करना है? 25 टर्म्स का सम, और जिसमें हमें गिवन है nth टर्म कितनी, 3 + 4n। अब हमें nth टर्म पता है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n है, तो हमें फाइंड करना है 25 टर्म्स का सम। तो यानी s25 फाइंड करना है हमें, तो sn वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या क्या तीन चीजें चाहिए, एक तो n की वैल्यू चाहिए, तो वो तो हमें पता है 25 है, और क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब यहां से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, देखो ये दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो यहां रखें, इफ वी पुट n इज इक्वल टू 1, देन a1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहां n की जगह क्या रख दें, 1, तो ये बना a1 इज इक्वल टू 3 + 4 कितना, 7। यानी a1 यानी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 7। ऐसे ही इफ वी पुट n इज इक्वल टू 2 तो क्या मिलेगा हमें, a2, 3 + 4 × 2 3 + 8 कितना मिला, 11। ऐसे ही इफ वी पुट n इज इक्वल टू 3 तो a3 मिलेगा, 3 + 4 × 3 3 + 12 कितना, 50। तीन टर्म्स निकालनी शुरू की हमने, a1, a2 और a3, तो हमारी ap बनेगी 7, 11, 15 एंड सो ऑन। यहां से हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं इजीली, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 11 - 7 कितना आया, 4, कॉमन डिफरेंस पता लग गया 4। अब हमें फाइंड करना है क्या, s25 हमें फाइंड करना है। sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो s25 हो जाएगा 25/2 2 × a, a की वैल्यू कितनी है, 7, प्लस n - 1 25 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, या 25/2 2 × 7 = 14 प्लस 25 - 1 = 24 × 4 25/2 × 14 प्लस 24 जा कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 96, 24 जा 96, ये हुआ 25/2 × 96 = 14 110। 110 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 55 टाइम्स। अब 55 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 25 से,
125 का 5 कैरी आ गई 12, 25 5 125 और 12 137। हमारा आंसर क्या आया 1375। ये क्या मिला हमें, फर्स्ट 25 टर्म्स का सम। ओके स्टूडेंट, क्या दिया हुआ था हमें, ए एन, nth टर्म हमें गिवन थी। ठीक है, तो एक बार वापस देख लो क्या किया हमने, ए एन गिवन था 3+4n, इसमें 1 पुट किया n की जगह तो a1 मिला, 2 किया तो a2 मिला, 3 किया तो a3, जिससे हमारे ए पास एक ap आ गई। ap में हमने a और d की वैल्यू लिख ली। फिर हमें फाइंड करना था s25, तो sn वाला फॉर्मूला लगाया, n की जगह 25 रखा, a की जगह a की वैल्यू रखी, d की जगह d की वैल्यू रखी, हमारा क्या हो गया इजीली आंसर फाइंड आउट। ओके स्टूडेंट, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में गिवन है ए एन इज इक्वल टू 7-3n, वही सेम है, वही काम करना होगा इसमें भी जो उसमें किया हमने। सबसे पहले इफ वी पुट एन इज इक्वल टू 1, तो ए 1 मिलेगा 7-3 यानी 4। Now if we put n is equal to 2, तो a2 मिलेगा हमें 7-3 × 2 यानी 7-6 1। And if we put n is equal to 3, then a3 मिलेगा 7-3 × 3 यानी 7-9। 7 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, -k2। ठीक है, ap मिल गई हमें, तो हमारी एपी हो जाएगी क्या 4, 1, -2 and so on। मिल गई एपी। अब हमें फाइंड करना है क्या, वही फाइंड करना है S25। इसमें भी क्या फाइंड करना है, S25। तो Sn का फॉर्मूला लगाना है, n/2 2a+n-1 × d। अब यहां से a कितना मिला है 4, और d की वैल्यू बताओ कितनी मिलेगी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 1-4 कितना -k3, डी कितना है कॉमन डिफरेंस -3, सब की वैल्यूज पुट कर दो तो S25 हो जाएगा 25/2 2 × a की वैल्यू 4 प्लस 25-1 × d की वैल्यू -k3। 25/2 2 × 4 = 8 + 24 × -k3। 25/2 8, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -24 × 3 = 72। 25/2 × 8 में से माइनस करने हैं 72, तो किसका आएगा आंसर, माइनस का, और कितना आएगा 64। माइनस का 64 आया, 8 में 72 माइनस किए तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 32 टाइम्स। अब 25 को मल्टीप्लाई कर लो -32 से, तो माइनस का साइन, 25 × 2 = 100 का 0 कैरी 10, 25 × 3 = 75 × 10 = 85। कितना आ गया सम, -k850। ओके स्टूडेंट, तो वही सेम ही क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी हमने क्या किया है, वही n की जगह पहले 1, 2, 3 पुट किए, जिससे हमें एक हमारी ap मिल गई। ap मिलने के बाद a और d की वैल्यू लिखी और sn वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया, उसे सॉल्व किया, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म
आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। देखो क्या कहा है, सम फाइंड करना है कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का, और हमें गिवन क्या है, सेकंड टर्म तो दी हुई है 14 और थर्ड टर्म दी हुई है 18। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, सेकंड टर्म यानी A2 तो गिवन है 14 एंड थर्ड टर्म A3 गिवन है कितना 18। ओके अब देखो हमें फाइंड करना है क्या, एफ 51 टर्म्स का सम यानी एस 51 हमें करना है फाइंड आउट। तो एस 51 एस एन फाइंड फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन वाला फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, एन चाहिए तो एन तो पता है 51 है, और साथ में क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए यानी फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस अगर इन दोनों टर्म्स को हम माइनस कर दे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दे तो वो किसके इक्वल होगा, डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने पर मिलता है। तो डिफरेंस हो जाएगा A3 माइनस A2 यानी 18 माइनस 14 कितना आ गया डिफरेंस 4। डिफरेंस तो पता लग गया 4। अब देखो A2 किसके इक्वल होता है, A प्लस डी के इक्वल होता है कि नहीं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी। A2 की वैल्यू कितनी है 14 इज इक्वल टू A प्लस डी की वैल्यू है 4, तो यहां से A कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 यानी 10। मिलेगी फर्स्ट टर्म कितनी 10। अब फाइंड क्या करना है, एस 51 तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस 51 हो जाएगा 51 अपॉन टू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी n कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, 51 अपॉन में 2 इंटू 10 20 प्लस 51 में से 1 जाएंगे 50 मल्टीप्लाई 4, 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 200, 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 220 है 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 110 टाइम्स। अब 110 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 51 से, कितना आ जाएगा 5610। ओके स्टूडेंट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या गिवन था हमें, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म गिवन थी और 51 टर्म्स का सम फाइंड करना था यानी A2 और A3 गिवन था। तो हमने सबसे पहले डिफरेंस निकाल लिया, 3 में से A2 को माइनस करके 4 आ गया डिफरेंस, A2 किसके इक्वल होता है A प्लस D के, तो यहां से A की वैल्यू आ गई यानी फर्स्ट टर्म आ गई। अब बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी सबकी, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं थर्ड और फोर्थ, इनको वापस अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थैंक यू सो मच।